और इस वक्त इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नोएडा में सरकारी जमीन पर अवैध बिल्डिंग बनाने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने यूपी सरकार और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। नोएडा के नांगल चरणदास गांव में निम्मी होम नाम की कंपनी पर सरकारी जमीन पर अवैध बिल्डिंग बनाने का आरोप है। कंपनी ने सरकारी जमीन पर 6 मंजिला 3 अवैध बिल्डिंग बनाई। कंपनी ने 110 फ्लैट और 26 दुकानें बनाई हैं। इस अवैध निर्माण में पुलिस और नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप भी लगा है। इसकी शिकायत ईडी और राज्य सरकार से की गई थी। शिकायत के बाद अथॉरिटी ने बिल्डिंग को सील कर दिया था। कोर्ट ने इस मामले में बिल्डर अरविंद सिंह को भी नोटिस जारी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 16 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होने वाली है। जी हिंदुस्तान रिपोर्टर अमित चौधरी हमें इस बाबत और जानकारी देंगे। अमित, कोर्ट ने क्या कुछ कहा, तफसील से जानकारी दीजिए। देखिए जोशना, ये जमीन पर पिछले काफी समय से निर्माण चल रहा था और कई बार जो शिकायत करता है उसमें प्राधिकरण के अधिकारी और जो संबंधित अधिकारी हैं उन लोगों से इस चीज की गुहार लगाई थी कि इस निर्माण को रोका जाए। बावजूद उसके कुछ अधिकारियों के साथ साठगांठ करके ये निर्माण यहाँ पर लगातार चलता रहा और पूरी तरीके से ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। करीब 110 फ्लैट और 20 से 25 दुकानें इसमें बनाई गई और वो लोगों को बेच भी दी गई। कुछ एक लोगों ने यहाँ पर रहना भी शुरू कर दिया था, लेकिन जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा उसके बाद प्राधिकरण के अधिकारी हरकत में आए थे और कुछ दिनों पहले इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया था। लेकिन बीच में खबरें आई कि प्राधिकरण के अधिकारियों से साठगांठ कर इस बिल्डिंग की सील खोल दी गई है और लोगों को यहाँ रहने की इजाजत दे दी गई है। फिर दोबारा से मामला कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने तमाम जो भी तथ्य हैं वो कोर्ट के सामने रखे और कोर्ट ने अब ईडी को और राज्य सरकार को कहा है कि इस मामले की जो भी प्रगति रिपोर्ट है, अभी तक क्या जांच रिपोर्ट में सामने आया है, वो तमाम चीजें अगस्त में जो तारीख है केस की तब तक कोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश। शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए।